हेलो दोस्तों, कर्तव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको आज बताएंगे कि संख्याओं में कॉमा कैसे लगाते हैं, किन किन स्थानों पर प्लेस पे कॉमा का प्रयोग करते हैं। अंकों के बीच में कॉमा का प्रयोग, कि अंकों के बीच में कॉमा कैसे लगाएंगे और कहां लगाएंगे। एक हम बताएंगे राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार कि कॉमा कहां लगता है। राष्ट्रीय संख्या पद्धति, राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार कॉमा कहां लगता है। जैसे एग्जांपल देखो, कोई संख्या लिखिए 1567896543। ये नंबर्स लिखा आपके सामने, इस नंबर्स में हम कॉमा कहाँ लगाते हैं वो हम आपको बताएंगे। इसे बोलते हैं नेशनल नंबर सिस्टम। नेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा कहाँ लगता है देखो, सबसे पहले क्या होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा के बाद क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। फिर हजार, दस हजार के बाद कॉमा लगेगा। फिर लाख, दस लाख के बाद कॉमा लगेगा। फिर करोड़, दस करोड़ के बाद कॉमा लगेगा। इसी तरीके से पहले अपनी भाषा में कहें तो सबसे पहले तीन अंक के बाद कॉमा लगेगा, फिर दो अंक के बाद कॉमा लगेगा, फिर दो अंक के बाद कॉमा लगेगा, फिर दो अंक के बाद। इस तरीके से कॉमा का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा का प्रयोग कहाँ होता है, तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर प्रयोग होता है। कोई एग्जांपल देखो, कोई संख्या लिखिए 5618769243। ये हमारे सामने नंबर्स लिखा है, हम इसका बताएंगे कि कहाँ प्रयोग होता है कॉमा का। सर्वप्रथम क्या करते हैं कि पहले थ्री डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर थ्री डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर थ्री डिजिट के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल संख्या नंबर सिस्टम में तीन तीन के बाद, तीन तीन संख्याओं के बाद, तीन तीन अंकों के बाद क्या लगता है, कॉमा का प्रयोग होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट।